बच्चों के लिए स्कूल उनका सेकेंड होम कहलाया जाता है, होम जहां हम सेफ फील करते हैं। पर तब क्या होगा अगर हम वहां भी सेफ ना हो? ऐसा ही कुछ हुआ था 15 साल की मिशा के साथ। मिशा ने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस के लिए वो स्कूल खत्म होने के बाद स्टे बैक करने वाली थी। उसके साथ साथ उसके दो और दोस्त पॉल और रमन स्टे बैक कर रहे थे। डांस प्रैक्टिस करते वक्त मिशा के दोस्त पॉल का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। उसका पैर ट्विस्ट हो गया था और वो बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। स्कूल के सब टीचर्स जा चुके थे और हेल्प के लिए उन बच्चों के पास कोई भी नहीं था। तभी मिशा भागकर मेडिकल रूम गई, पर वहां भी तब तक ताला लग चुका था। उसी वक्त मिशा को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे से ऊपर गया है। वो मुड़ी तो उसे एक परछाई ऊपर जाते दिखी। मिशा को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई तो अभी भी स्कूल में है और इसीलिए मिशा उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी। मिशा स्कूल के 3rd फ्लोर पर आ चुकी थी। उस फ्लोर पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी का भी जाना मना था। मिशा पहले तो वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी आवाज लगाने लगी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए वो थोड़ी आगे गई। उसने देखा कि उस फ्लोर पर सिर्फ एक ही रूम था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। मिशा को कुछ समझ नहीं आया तो वो उस परछाई को अपने मन का वहम समझकर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज आई। जब मिशा ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखा तो उस दरवाजे पर जो ताला लगा था वो टूट कर नीचे गिरा हुआ था। मिशा एकदम से चौंक उठी। वो उस रूम के अंदर गई। उसे दिखा कि एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा है। मिशा ने उससे पूछा कि अगर वो उसके साथ चलकर पॉल की मदद करेगा, लेकिन उस आदमी ने मिशा को कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। मिशा को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने फिर से उस आदमी को पुकारा, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। मिशा ये देखकर घबरा उठी। वो दरवाजे की तरफ गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। तभी मिशा को उस आदमी के हंसने की आवाज आने लगी। वो बहुत डरावने तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। मिशा में पलट कर देखने की हिम्मत ही नहीं थी और वो डर के मारे जोरों से दरवाजा पीटने लगी। कोई है वहां? तभी मिशा को अपनी गर्दन पर हल्की सी हवा का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो उसका दिल दहल उठा। वो आदमी जो कुछ देर पहले खिड़की को देख रहा था वो अब उसके ठीक सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी जो मिशा को बहुत डरावनी लग रही थी। वो मिशा को ऐसे घूर रहा था कि जैसे वो उसे आज जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने मिशा को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगा। मिशा का रोना छूट गया और वो डर के मारे बहुत जोरों से चिल्लाई। उस आदमी ने मिशा के मुंह पर हाथ रखा और मिशा के साथ बदसलूकी करने लगा। उधर मिशा को ढूंढते हुए रमन स्कूल के गार्ड को लेकर 3rd फ्लोर पहुंचा, जहां उन्हें मिशा की चीख सुनाई दी। वो जल्दी से उस कमरे में गए और उन्होंने देखा कि मिशा जमीन पर बैठी रो रही है और उसके आसपास कोई भी नहीं है। उसकी शर्ट ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने सबको अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया। मिशा के साथ हुए इस हादसे को सुनकर स्कूल गार्ड का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। उसने मिशा और उसके दोस्तों को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मचारी काम करता था। वो थोड़ा पागल सा था
और वो लड़कियों को बहुत ही गंदी नजरों से देखकर हंसता रहता था। एक बार उसने एक लड़की के साथ बदसलूकी भी की थी। उस लड़की ने जब उसकी कंप्लेंट की तो स्कूल की प्रिंसिपल ने उसे हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया। उसके एक हफ्ते के अंदर उस पागल आदमी ने थर्ड फ्लोर वाले स्टोरेज रूम में जाकर खुद को मार डाला। उसकी मौत का काफी दिनों तक किसी को पता ही नहीं चला था। उस आदमी की बॉडी बहुत ही डरावनी हालत में पाई गई थी और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। इसीलिए स्कूल के थर्ड फ्लोर पर किसी का भी जाना बंद है। इस इंसिडेंट के बाद मिशा इतनी डिस्टर्ब हो गई कि वो कुछ दिन तक स्कूल ही नहीं गई, बल्कि कुछ ही महीनों में उसने एक नए स्कूल में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन वो कभी भी उस भयानक आदमी की वो डरावनी हंसी नहीं भूल पाएगी। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब करो यार, और देखते रहो हर हफ्ते एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी।